हाय फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी स्मार्टफोन नहीं है तो UPI से पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कीपैड मोबाइल में सादा मोबाइल में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक किया जाता है। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं पेरा चैनल बर्मा टेक चैनल। अपने तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोबाइल ओपन कर लिए हैं, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में अभी नेट से भी कनेक्ट नहीं किए हैं, नहीं वाईफाई से कोई भी कनेक्ट नहीं किए हैं। अब हम अपने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे अपने मोबाइल से, कीपैड मोबाइल से। तो सबसे पहले आपको डायलर पैड को ओपन कर लेना है। चलिए हम अपने यहाँ पर डायलर पैड को ओपन कर लेते हैं। अब डायलर पैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा स्टार, इसके बाद डबल लाइन, इसके बाद हच टाइप करना, इसके बाद आपको कॉल करना होगा। कॉल करने में किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, इस ऐप को यूज करना चाहते हैं मैंने पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो चलिए हम आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज वन नंबर पर है, तो आपको वन सेलेक्ट कर वन लिख कर यहाँ से सेंड वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। चलिए हम सेंड वाला आइकन पर क्लिक करते हैं। सेंड वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है वेलकम टू भीम, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, जैसे कि अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है या बैंक ऑफ बड़ौदा में है या बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आपको फर्स्ट फोर डिजिट लेटर टाइप करना होगा। जैसे कि आप बैंक का नेम भी टाइप कर सकते हैं एंड IFC कोड भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट फोर लेटर आपको टाइप करना ही होगा। जैसे कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक में है तो आपको SBI टाइप करना होगा। जैसे कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपको BOB टाइप करना होगा। जैसे कि आपका अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया में है तो BOI टाइप करना होगा। जो हमारा अकाउंट है स्टेट बैंक में है तो हमें SBI टाइप करना होगा। SBI टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड का आइकन दिख रहा होगा, जस्ट इसी वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, जैसे कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हमने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि आप अपना डेबिट कार्ड का लास्ट यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है 6 डिजिट अंत वाला टाइप करना होगा। इसके बाद एक्सपायरी तिथि आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। कैसे आपको टाइप करना है, लास्ट 6 डिजिट टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल करके बताया भी गया है। इस प्रकार के टाइप करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कार्ड का लास्ट 6 डिजिट टाइप किया हुआ, इसके बाद एक्सपायरी कार्ड का टाइप किया हुआ है, कार्ड का एक्सपायरी तिथि टाइप किया हुआ, इसके बाद सेंड वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड इंटरफेस आ चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 डिजिट का UPI पिन सेट करना होगा। इसलिए सेट करना होगा, जब भी आप पैसा किसी को ट्रांसफर करेंगे या अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे तो इसी पिन से आसानी से बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना UPI पिन यहाँ से 6 डिजिट बनाते हैं। तो 2580 25, आप अपने अनुसार आप अपना पिन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना पर्सनल यूजेज करने के लिए ये पिन सेट किया हुआ है, ये पिन आपको सेट नहीं करना होगा। इसके बाद सेंड वाला आइकन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को पिन जो बनाए हुए हैं उसी पिन को कंफर्म करना होगा, रीटाइप करना होगा। इसके बाद सेंड वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि योर UPI पिन इज सेट, आपका जो UPI पिन है सेट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI पिन को इंटर करना होगा। जो आप UPI पिन बनाए हुए हैं उसी UPI पिन को आप लोगों को इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद सेंड वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेंड वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अभी हमारे अकाउंट में 10 रुपया है, 10 रुपया 34 पैसा है। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं कि हमारा अभी मोबाइल में केवल वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं है, नेटवर्क से भी कनेक्ट नहीं है। अगर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो क्या कीजिएगा, *99 टाइप करना होगा, इसके बाद कॉलिंग करना होगा। ठीक है, डैशबोर्ड इंटरफेस नजर आ चुका है। तो जो आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप जिस भी अकाउंट में अपना लिंक किए होंगे यहाँ पर लिख दिया होगा। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, तो बैलेंस चेक करना है तो देखिए यहाँ पर बैलेंस चेक करने वाला आइकन कितने नंबर पर है, तो 3 नंबर पर है। तो हमें यहाँ पर 3 नंबर टाइप करना होगा। यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर टाइप कर देने के बाद आपको सेंड वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। जस्ट सेंड वाला आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको UPI पिन इंटर करना होगा। इसके बाद आपका बैलेंस आसानी से चेक हो जाएगा। अगर आप बैंक आना चाहते हैं तो 00 आप इंटर करके यहाँ से बैंक आ सकते हैं। बैंक आने के बाद जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि पैसा भेज भी सकते हैं, पैसा मंगा भी सकते हैं। आप अपना UPI यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा UPI कौन सा बना हुआ है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इस पर वीडियो आएगा कि इस पर हम पैसा कैसे मंगाते हैं, इसे पैसा कैसे रिसीव किया जाता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से कीपैड मोबाइल में बैंक अकाउंट लिंक करना सीख चुके होंगे। जो कीपैड मोबाइल नहीं था इसलिए हमने टच मोबाइल से आपको बैंक अकाउंट लिंक करना बता दिया है, जिसमें मेरे पास उस मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, नहीं मैंने वाईफाई से भी कनेक्ट किया हुआ है। तो सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है, मन में डाउट है नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हैं।